हेलो एंड वेलकम टू बेबीज गैलरी। आज बेबीज गैलरी पे हम आपके लिए लेके आए हैं आलू खीर की रेसिपी। हम इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो यहाँ पे हमने इंग्रेडिएंट्स पे लिया हुआ है पोटैटो, जो कि हमने कद्दूकस कर लिया है, चीनी लिया है, इलायची ली है, घी और हमने एक कप मिल्क लिया है। अब हम एक पैन गरम करेंगे और उस पर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी गरम होने के बाद हमने इस पर इलायची डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, हमने अच्छे से स्मेल के लिए डाला हुआ है। अगर आप चाहते हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, या फिर साबुत इलायची के बदले आप जब आपका पूरा प्रिपरेशन बन जाएगा तो आप उस पर इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। हमने घी में आलू डाल दिया है जो हमने कद्दूकस करके रखा था। अब इसको अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। आलू अच्छे से फ्राई होने के बाद हम इसमें जो मिल्क रखा हुआ था हमने वो डाल देंगे। मिल्क डालने के बाद अच्छे से आलू और मिल्क को मिक्स करते रहना है, ताकि जो लम्स बना हुआ था पहले जब हम आलू को फ्राई कर रहे थे घी में, वो अच्छे से निकल जाए, लम्स ना रहे। और दूध में उबाल आने के बाद हमने इस पे चीनी डाल दिया है। ये रेसिपी एक साल के कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, क्योंकि हमने इस पे काऊ मिल्क और चीनी दोनों ही ऐड किया है। इसको अच्छे से मिक्स करते रहना है। अब हम इसमें ड्राई फ्रूट पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो कोई भी ड्राई फ्रूट लेके क्रश करके भी दे सकते हो इस पे। ड्राई फ्रूट पाउडर बनाने की रेसिपी भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हो। ड्राई फ्रूट पाउडर डाल के हमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा आलू खीर जो है वो लगभग रेडी हो गया है। आलू खीर रेडी हो गया है। अब हम इसकी प्लेटिंग कर देंगे और इसको हल्का सा ठंडा करके फिर ही बेबी को सर्व करना है। आई होप ये रेसिपी भी आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।